ये बनाए। चलो तेल को गरम करके ना मैं इसे डाल दूंगी ये सारे बड़े थोड़े से भूंजने के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3-4 मीडियम साइज के प्याज जो मैं अभी काटने वाली हूँ। और यहाँ है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये ना मैं खासकर गर्मियों में बनाकर ही रखती हूँ क्योंकि अगर लाइट गोल हो जाए और आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाना हो तो दिक्कत मत हो। तो ये मेरा रेडी है, यहाँ मैं इसे काटने वाली हूँ और ये यहाँ पे भूंज रहा है। मैं इसे अच्छे से भून चुकी हूँ और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ना इसमें जो है एकदम नरमाहट रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। ये पानी भी अपन जब ये बड़ी डालेंगे ना उसके साथ इसे भी डालेंगे। देखिए वैसे तो मैं बहुत अच्छी कुक हूँ मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, बट हाँ मैं न्यू ट्राई करते रहती हूँ और खाना बनाते बनाते बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी तरीके से आप खाना बनाइए, आपको अगर कुछ न्यू स्टाइल कुछ नया पता है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। बस मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और खाना बनाते बनाते वीडियो बनाना भी आजकल अच्छा लगने लगा है तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप देखिए और बताइए मैं कैसा बनाया। फाइनली हम इसमें डालेंगे जीरा, जो मैंने आग जला के काटा प्याज। अब ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से टमाटर मैं हूँ किसने वाली। फाइनली मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है और अब मैं एक बार और यहाँ पे मैं ना जब प्याज ऐसा भूज जाएगा ना अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालने वाली हूँ, मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे टमाटर का जो प्यूरी बनाया है ना वो। इसका कारण ये है कि टमाटर को अगर हम ग्राइंडर में पीसते हैं तो फिर ना उसमें एक थिकनेस ज़्यादा होती है और अपन जब पीसते हैं ना तो उसका जो ऊपर का लेयर निकल जाता है जिसकी वजह से ना ये थोड़ा पतला हो जाता है। तो हम क्या करेंगे प्याज के साथ अगर जब इसको हम मैश करेंगे पहले ना तो एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाएगा और इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ हम डाल देंगे, ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है ये, इस पॉइंट पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची वाला पेस्ट। मैंने ना फिर इसको सारा को अच्छे से मिला लिया है और जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि यहाँ थोड़ा सा लग रहा है नीचे से तो ना जो मैंने पानी इसमें डाला हुआ था ना, अच्छा मैं बता दूँ एक आलू उबला हुआ मेरे फ्रिज में था तो मैंने उसे भी डाल दिया है, तो मैं यही पानी ना थोड़ा सा डालूँगी ताकि ये कढ़ाई से चिपके ना। सो यहाँ पर ये भी अच्छे से भून चुका है, जो एक कच्चा स्मेल आता है ना अदरक लहसुन का वो आना बंद हो चुका है। खाने का सबसे मेन चीज़ ये होता है कि आपकी सब्जी जो है बहुत अच्छे से भूंजनी चाहिए, चाहे आपके पास बहुत सारा सामान हो ना हो, बट अगर आपका सब्जी जो है जो भी आप इसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से भूंज जाता है पूरा तेल छोड़ने तक का अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपका खाना डेफिनेटली बहुत टेस्टी बनेगा। आप सोचिए यहाँ पर अभी तक कुछ भी ड्राई मसाले नहीं पड़े तो भी कितना प्यारा कलर आ रहा है सिर्फ इसका भूंजने की वजह से। तो खैर अब ये अच्छे से भून चुके हैं तो अब यहाँ पे हम ड्राई पाउडर्स डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले खाने का राजा नमक, स्वाद अनुसार। अच्छा बड़ी में ना बहुत ज़्यादा नमक नहीं है तो मैं इसमें ग्रेवी में जितना नमक चाहिए रहेगा उतना ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। वैसे मैंने टेस्ट करके देखा है तो थोड़ा सा ही उसमें नमक है तो अपन नमक डाल सकते। फिर नेक्स्ट आता है हमारा धनिया पाउडर। मुझे ना हमेशा हाथ से ही अपना रेशियो समझ में आता है, मैं चम्मच का यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे मैंने हाथ 500 बार धोती हूँ इस वजह से मुझे बहुत हाथ धोना पड़ता है क्योंकि मुझे ना हाथ से ही जो है समझ में आता है कि कितना प्रोडक्ट डालना चाहिए। तो ये एक मेरा अंदाज़ा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी और मिर्च पाउडर। और ना सारे मसालों को ड्राई मसाले डालने के बाद मैंने तेज आँच पे ना अच्छे से इसको मैं भूनते रहूँगी, मैं हटाऊँगी नहीं अपना हाथ, इसे चलाते हुए ही पूरा भूनते रहूँगी। 2 मिनट अच्छे से चलाने के बाद ये जो मैंने ये रखा हुआ है ना ये पूरा मैं डाल दूँगी। इसका जितना भी पानी है बहुत ज़्यादा तो नहीं है तो मैं इसको भी साथ में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स करके ना इसे रख दिया है, इसी को ना मैं सिम में थोड़े देर पकने दूंगी, उसके बाद मैं पानी भी डालूंगी। बट अभी जितना भी इसमें पानी है ना वो अच्छे से मिल जाए इसलिए मैं अच्छे से इसको डाल रही हूँ, इसे सिम में पकने दे रही हूँ, उसके बाद मुझे जितना पानी जितनी ग्रेवी रखनी होगी वो मैं डालूंगी। अच्छा अब ये भी अच्छे से भून चुका है तो मैं बस एक ये इतना ही मुझे ग्रेवी चाहिए है क्योंकि ये ना आधा तो इसमें जो बड़ी है वो थोड़ा सा पानी सो अपना अब्जॉर्ब कर लेगा तो मैं मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए है,
थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए तो मैंने बस इतना ही पानी रखा, आपके ऊपर है आप जितना भी रखना चाहें। एंड देन लास्ट में मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला, आप इसकी जगह सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया थोड़ा चिकन मसाला, और लास्ट में डालूंगी मैं धनिया पत्ती। फाइनली हमारी सब्जी जो है ये रहा रेडी टू